निखिल कार ले आना जरा। यार क्या तमाशा देखने को, मतलब मजा आ गया। नहीं मतलब इशिता, रमन, रोहित, समी एक तीर से चार निशाने। स्पल्ला परिवार के एक एक सदस्य को तोड़ दूंगा मैं, नींव फैला दूंगा इनके। क्या करवा चौथ मनाया आज? खुशी से उम्र लंबी हो गई बल्लाज। हाय, आप इस वक्त? एक्चुअली एक जरूरी काम था। कैन आई कम इन? या थैंक्स। वो एक्चुअली पूजा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। मेरी निखिल को रूही की जिंदगी से निकालने में प्लीज मेरी मदद करो। हमने दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की है। इनफैक्ट निखिल को तो मैंने बदनाम तक करने की कोशिश की, पर नथिंग्स वर्किंग। रूही उसके प्यार में पागल है एंड हम नहीं चाहते कि रूही निखिल के साथ हो। तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स मदद कर सकते हो। आई मीन अगर आप मुझे निखिल की कोई वीकनेस बता दो तो हम उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। नहीं तो आई नो दिस माइट साउंड सिली, लेकिन अगर आप नाटक करो कि आप निखिल के साथ वापस जाना चाहती हो, यू वांट टू गेट बैक टू हिम, तो आई एम श्योर रूही उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। व्हाट? नो वे, मैं उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करती हूँ एंड मैं उसके पास वापस जाऊंगी नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। प्लीज आप यहाँ से चले जाए, क्योंकि मैं निखिल के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं उसके बारे में नहीं बात करना चाहती हूँ। सो प्लीज। मैडम, मैंने आरती की थाली तैयार कर दी है। तुम जाओ। आपने भी करवा चौथ का व्रत रखा है? मिसेस राघव, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। सॉरी। सो आई थिंक यू शुड लीव। थैंक्स। कौन हो सकता है जिसके लिए इसने करवा चौथ का व्रत रखा है? ये गाड़ी तो भल्ला फैमिली में से किसी की है। कौन हो सकता है? यहाँ कहीं वो पूजा से तो नहीं मिलने आया था और मुझे देखकर भाग गया? कहीं पूजा ने व्रत इसके लिए? कौन हो सकता है? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम अब नहीं आ रहे हो। आई मीन दिस इज नॉट डन यार। एनीवेज ठीक है, रुको, कोई आ गया, मैं फोन करती बाद में। ठीक है। आप वापस आ गई? मैंने आपसे कहा ना मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। आई एम बिजी, सो प्लीज आप जाइए यहां से। जस्ट गो। यू नो व्हाट, ये जो तुम नाटक कर रही हो ना, मैंने ऐसे बहुत सारे नाटक देखे हैं। मेरा नाम शगुन है एंड तुम जैसी लड़कियों को मैं यूं सीधा कर सकती हूं। व्हाट डू यू मीन? तुम्हारे प्रिटी लिटिल सीक्रेट के बारे में मुझे सब पता है भल्लास। भल्लास की गाड़ी आई थी नीचे, लेकिन उसमें जो भी था मुझे देख के भाग गया। You know, he just suddenly vanished. तो जिसका भी तुम वेट कर रहे हो वो शायद ऊपर नहीं आएगा। कौन सी गाड़ी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ प्लीज, तुम ये जो गेम्स खेल रही हो ना, मेरे साथ मत खेलना। मैं ऐसे बहुत गेम्स खेल चुकी हूँ। जो भी यहाँ आया था वो भल्ला फैमिली का था और तुमसे मिलने आया था।
शायद तुम्हारा व्रत तुड़वाने आया था, लेकिन मुझे देखकर नर्वस हो गया एंड ही लेफ्ट। ये आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं एक सेकंड में पता लगवा सकती हूँ कि वो आदमी कौन था, और अगर मुझे पता चल गया ना कि वो कौन सा मिस्टर भल्ला था, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकती हूँ। बट हाँ, एक सोल्यूशन है, अगर तुम मेरी मदद करो और किसी तरह निखिल को रूही से दूर करो, तो मैं तुम्हारे इस सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। सो तुम मेरी मदद करोगी? आई मीन आई थिंक इट्स अ फेयर डील। चलो भाई चलो, सारे अन्न का अनादर नहीं करते। सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया। पुत्र तू ही शुरू कर दे, तू शुरू करेगा तो सारे ही अप्पे शुरू हो जाएंगे। चल मेरा बच्चा, तू तो इतना शोर मचा रहा था कि भूख लगी है। खा ले मेरा बच्चा। देख सिमी की तबीयत खराब हो गई, जो भी बखेड़ा होना था, जो रौला पहना था पै गया, तो की कर सकते हैं। आलिया तेरा पहला करवा चौथ है। अच्छा पुत्र, किरण पुत्र तेरा भी पहला करवा चौथ है, और आज ये सारा स्यापा पै गया। माफ करिए पुत्र। आंटी जी, आपको मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी तो इसी फैमिली का एक पार्ट हूँ ना। मम्मी जी, अब किसी ने रोमी को देखा क्या? मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं, मैंने भी नजर नहीं आया, बड़ा परेशान था बेचारा। कमरे में जाके देख जरा। हाँ मैं चेक करके। चलो भाई चलो, शुरू करो। आलिया पुत्र, तू सिमी और रूही के लिए खाना अंदर ही ले जा पुत्र। रोमी, अरे कहाँ थे तुम? मैंने सबको पूछ लिया, कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, पता है कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ तुम्हें। उस निखिल का गुस्सा उतारने गया था। What? तूने देखा नहीं उसने भाई के साथ कैसे बात की? मेरा मन करता है उसका मुंह तोड़ दूं। बस इस रूही की वजह से मैं कुछ नहीं बोल पाया। अरे पागल हो गई है वो रूही भी, दिमाग खराब हो गया और दीवार पे हाथ मार दिया। रोमी, ये क्या है, ये क्या किया तुमने? तुम लोग कुछ भी करते हो, कभी मेरी बात नहीं सुनते हो। दिखाओ हाथ, ये सब करने की क्या जरूरत है? दिस इज मैडनेस रोमी। दीवार पे हाथ मार दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इससे होगा क्या? मुझे एक बात बताओ, हमेशा ऐसी हरकतें करते हो। सॉरी मीका, मुझे पता है तुम भूखी हो, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तुम्हारा व्रत भी है, और मैं ये सब, चलो सब बाहर खाना खा रहे, मैं तुम्हें लेने आया था। इट्स ओके, इट्स फाइन नाउ। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही? नहीं, ठीक है, चलो। सो डील और नो डील? ठीक है, मैं मदद करूंगी। कहिए मुझे क्या करना है? तुम्हें बस अपने हस्बैंड से कहना होगा कि वो किसी तरह परमानेंटली ये शहर छोड़कर चला जाए। तुम्हें उसे ये कहना होगा कि रिया को, जो तुम बोर्डिंग स्कूल में डाल रही थी, तुम उसे बोर्डिंग स्कूल में नहीं डालोगी, उसकी एडमिशन वहां नहीं कराओगी। ये कैसे हो सकता है? रिया का एडमिशन हो चुका है, उसे जाना पड़ेगा वहां पे। रिलैक्स रिलैक्स, तुम उसे ये कहोगी कि उसकी एडमिशन होने वाली थी, लेकिन उसका जो वायरल वीडियो था उसके वजह से स्कूल ने उसकी एडमिशन रिजेक्ट कर दी। तुम्हें उसे ये रियलाइज कराना होगा कि वो चीप है, कैरेक्टरलेस है। किसी तरह तुम्हें उसके सामने शर्त रखनी होगी दैट परमानेंटली वो यहाँ से चला जाए, वो ना रिया से मिले ना बात करे। एंड अगर उसने ऐसा नहीं किया तो तुम रिया को यहाँ से लेकर हमेशा के लिए चले जाओगी, जहां पर वो कभी पहुंच ही नहीं सकता। Are you sure कि ये काम करेगा? 100% काम करेगा। पूजा, मैंने देखा है कि वो रिया से कितना प्यार करता है। जब उसे रियलाइज होगा कि उसके वजह से रिया की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो डेफिनेटली वो चला जाएगा इस शहर से भी और रूही के लाइफ से भी। ओके कूल, आई एम रेडी फॉर इट। मैंने
हजार बार आप लोगों को एक की एक ही बात बोली हूँ कि मैं निखिल से प्यार करती हूँ, तो मैं क्यों ना मिलूँ उससे? प्यार करना कोई गलती है क्या? अगर अगर अपनी माने ना तो मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा और मुझे उनको ये सब बताना पड़ेगा। आलिया, रूही ने कुछ खाया? जी मैं खाना दे आई थी। वैसे सिमी बुआ रूही के साथ ही है, वो रूही को खाना खिला देंगी। सब तुम भी कुछ खा लो। इशिता, इशिता मैं देखता हूँ। इशिता भाभी बैठो बैठो, तुम दोनों किधर जा रहे हो? खाना खाओ। मुझे पर भाभी कल छोड़ दे उन्हों, जो कुछ भी होया मेरे तेरे कहने से कुछ नहीं होना। परेशान है वो बेचारी, पर सारे एक दूसरे के पीछे परेशान घूमते रहे तो फिर क्यों होना है? किसी को तो ठंडा दिमाग रख के सोचना है ना। हम ही दिमाग ठंडा रख के सोच ले कि की करना है हुन। चलो खाना खाओ सारे, भला जी खाना खाओ। सब ठीक हो जाएगा बेटे। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी ठीक होगा। झूठ बोलने लगी है, एक बार नहीं कई बार। ये वही रूही है, वही ऊपर रिश्ता बदल गया। उसी ने तो मुझे मां बनाया था। बेटी नहीं खोई है, मैं खो गई हूँ। उसको अब अपनी हिजी मां नहीं चाहिए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ, उसे कैसे सही रास्ते पर लाऊं। मैं नहीं समझ पा रही हूँ मेरी परवरिश में क्या क्या कमी रह गई है। मैंने कुछ तो सही नहीं किया है, पर अब क्या ठीक करूं? मैं तो हार गई हूं। इशिता, हमारे लिए रूही अभी हमारी बेटी है, तुम्हारी बेटी है। बस थोड़ा सा भटक गई है, थोड़ा बहक गई है, और जब तुम उसके इसी मां के साथ है तो कैसे दूर जा सकती है हमसे? रूही को वापस ले आएंगे। बस रूही को हम वापस ले आएंगे। अक्का आओ ना, बहुत सर दर्द हो रहा है। आओ अब आओ प्लीज, कुछ खाया नहीं है ना आपने इसीलिए। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ फिर आ गया यहाँ पे? तेरे बाप का घर नहीं है कि जब मुंह उठाया चला यहाँ पर तू? प्लीज रूही को बुलाती नहीं, मुझे उससे बात। तू सोच क्या रहे हो यार? अरे एक मिनट रोमी, बस इसे कुछ कहने का फायदा नहीं। रूही वैसे भी चुप चुप कैसे मिलती है, इसे बेहतर है हमारे सामने मिले। छह दिन रोमी कुछ नहीं कर सकते। मेगा रूही को बुला लो। What a pleasant surprise. आओ ना, come. तुम ना बिल्कुल सही टाइम पे आए हो।
तुम हमारे साथ बैठ के ब्रेकफास्ट भी कर लेना। रूही, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आऊँ कि मुझे यह शहर छोड़ के जाना पड़ रहा है। क्या? पूजा का फोन आया था, मेरी वजह से रिया की लाइफ खराब हो रही है। वो वीडियो पूरी दुनिया ने देख लिया, जिस स्कूल में रिया का एडमिशन हो रहा है अगर वहाँ के एडमिशन बोर्ड ने देख लिया तो रिया का फ्यूचर खराब हो जाएगा। पूजा ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं शहर छोड़कर नहीं गया तो वो रिया को लेकर कहीं चली जाएगी। और रूही प्लीज, बहुत सालों बाद मुझे रिया के बारे में पता चला है। आई कांट अफोर्ड टू लूज हर। निखिल वन सेकंड, आई एम श्योर ये पूजा ने कुछ किया होगा। ऐसे कोई स्कूल का एडमिशन बोर्ड तुम्हारा वीडियो कैसे देख लेगा? निखिल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पूजा का कोई प्लान होगा। आई एम श्योर तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो ऐसे? वो सब मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरी वजह से रिया की लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए। निखिल देख, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम हमारे बारे में तो सोचो ना, तुम मुझे छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हो? नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मैं पूजा से बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी। नहीं, वो सुनेगी मेरी। रूही, पूजा नहीं सुनेगी, और वैसे भी मैं सिर्फ शहर छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी से थोड़ा जा रहा हूं। बट निखिल, आई एम श्योर ये पूजा ने कुछ किया होगा। तुम रूही प्लीज जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं निखिल, मुझे कर लेंगे ना उसके स्कूल का। रूही मुझे अभी जाना होगा, जस्ट ट्राई अंडरस्टैंड, आई विल कम बैक। प्लीज मत जाओ। निखिल प्लीज मुझे रिया से मिलने दीजिए, प्लीज। आप रिया बेबी से नहीं मिल सकती मैडम, पूजा मैडम ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए है कि रिया बेबी को किसी से ना मिलने दिया जाए। बस 5 मिनट प्लीज, मुझे उससे प्लीज मिलने दीजिए, मुझे अर्जेंटली बात करनी है उससे, प्लीज। नहीं मैडम, आई एम सॉरी, आप प्लीज जाए। रूही तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुमसे कहा था ना रिया से मत मिलने आना, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम या फिर वो निखिल रिया से मिले। Just go from here, please. तुम ऐसा क्यों कर रही हो पूजा? कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। पूजा प्लीज ऐसा मत करो, एक बार बस एक बार निखिल के बारे में सोचो, वो उसका पापा है, बहुत प्यार करता है उसे सच्ची में। तो फिर उससे कहो अच्छा पापा बनने से पहले एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। अरे उसका वो वीडियो वायरल हो गया है, और उसके वजह से रिया को कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? तुम गलत समझ रही हो पूजा, वो वीडियो फेक था, उसे सेटअप किया गया था, वो उसकी गलती नहीं थी पूजा, वो उसे बुरा कर दिखाने के लिए किया गया था। कुछ फर्क नहीं पड़ता, सच तो यही है कि रिया को बहुत तकलीफ हुई है, उसके एडमिशंस पे, उसकी रेपुटेशन पे बहुत असर हुआ है। सो लिसन, तुम रिया से नहीं मिल सकती, एंड दैट्स इट, इट्स फाइनल। तो जाओ यहां से, जस्ट गो। मुझे अभी जाना होगा, जस्ट ट्राइंग अंडरस्टैंड, प्लीज मत जाओ। निखिल इशिता क्या कर रही है तू? आराम कर शामन, डॉक्टर ने तुझे आराम करने को कहा ना, तेरा बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, आराम नहीं करेगी ना तो नींद की गोली देनी पड़ेगी मुझे। शामन रूही उसकी फिक्र मत कर, निखिल शहर छोड़ के जा रहे पता है ना? इसी बात का तो डर है, रूही उससे बहुत प्यार करती है, रमन अगर उसने भी शहर छोड़ दिया तो। मुझ पे भरोसा है, मैं हमारे परिवार को टूटने नहीं दूंगा। तुम इस आराम कर चलो, मैं हूं, रूही कहीं नहीं जाएगी, ठीक है? निखिल थोड़ा सा तो सोचो रूही के बारे में यार, तुम उन वादों के बारे में सोचो जो तुमने उससे किए हुए थे, क्या एक बार में एक झटके में सारा प्यार खत्म हो गया? सोचो ना उस बच्ची पे क्या असर पड़ेगा, कुछ सोचते हैं कुछ हल निकालते हैं, हर बात का हल निकलता है। परम जी आपकी भी एक बच्ची है, आप समझिए बात को, इस वक्त मेरे लिए मेरे प्यार से ज्यादा मेरी बच्ची इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम श्योर कि रूही इस बात को समझेगी। मुझे जाना होगा। निखिल यहां से चला गया तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ये पूजा
ने एक सारा सियापा क्यों फैलाया? कुछ तो बात जरूर है, और हो ना हो ये पूजा के पास सारे सवाल का जवाब है। हाँ, नजर रखनी पड़ेगी इस पे, पता करना पड़ेगा कि ये कौन है जिसने मेरे फाटने में टांग अड़ाई है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।